शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। त्योहारों के इस मौसम में आइए खुद अपने हाथों से अपना एक दिया पेंट करते हैं। टी लाइट होल्डर्स उन्हें बनाएंगे आज। इसके लिए हमें चाहिए मंडाला टूल्स जो बहुत ही बेसिक से हैं। ये हैं रॉड्स जो अलग अलग साइज की आती हैं, और इसके साथ हमको चाहिए स्टाइलस। ये पूरा पैक आपको कहीं पे भी ऑनलाइन मिल जाएगा या आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर्स में मिल जाएगा। इसे स्टाइलस कहते हैं और ये पूरा सेट है मंडाला डॉटिंग टूल्स के नाम से। साथ में चाहिए कलर पैलेट और एक रफ सा कपड़ा, ताकि जब हम डॉटिंग करें अपने टूल्स को साथ साथ पोंछते रहें, ताकि बाद में हमें डॉटिंग करने में सहायता मिले। मैंने यहाँ पे लिया है एक लकड़ी का टी लाइट होल्डर, वुडन है ये, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बहुत से अलग अलग साइज और शेप के आपको मिल जाएंगे। आइए श्री गणेश करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका और आज हम बनाएंगे एक टी लाइट होल्डर। शुरुआत हमने की है येलो कलर से। रॉड की सहायता से छोटे छोटे डॉट्स बेस पे लगाएंगे। थोड़े से बबल्स आ गए थे तो मैंने टूथपिक से उनको बर्स्ट कर दिया, फोड़ दिया। ये बहुत नॉर्मल है, होता ही है। नेक्स्ट रो बनाते हैं। आज पूरा कॉम्बिनेशन मोस्टली येलो और ग्रीन में है, हरा पीला, थोड़ा सा नीला भी है। बड़े रॉड की सहायता से हम बड़े डॉट्स लगा रहे हैं। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये मैंने कंपास जो होता है उसकी सहायता से राउंड सर्कल्स बनाए हैं, गोल गोल। और जो डी होता है, प्रोटेक्टर जो होता है, उसको लेकर कुछ वर्टिकल लाइंस बनाई हैं। ये सारी लाइंस 20 डिग्री के एंगल पे मैंने बनाई है। अब हम स्टाइलस लेंगे और जो हमारी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं वॉकिंग द डॉट टेक्निक, मतलब आप एक डॉट लगाएं और फिर अपने बड़े डॉट के चारों तरफ उसी डॉट को पैदल चलवाते रहें, बेसिकली उसे कहेंगे वॉकिंग द डॉट टेक्निक। महीन काम है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट मज़ा बहुत आता है। इत्मीनान से करिए, बहुत मज़ा आएगा। फर्स्ट राउंड हमारा रेडी है, अब हम दूसरा बनाएंगे। तो जो पहले मैंने एक बड़े डॉट के लिए कलर लिया था, उसमें थोड़ा सा ब्लू और ऐड किया है, एक शेड डार्कर लिया है इसमें। सेम टेक्निक है, बड़ा रॉड लीजिए, बड़े डॉट्स लगाइए और उसके बाद स्टाइलस से हम सेम वॉकिंग द डॉट करेंगे, और अब की बार हम दो लेयर्स में बनाएंगे उसको। आनंद लीजिए इसका। देखिए हमारा पहला लेयर हो गया है, अब हम उसके ऊपर दूसरा लेयर शुरू करेंगे। डिफरेंस बस इतना है, जो हमारा टॉप डॉट होता है ना, जो हम सबसे मिडल में लगाते हैं, वो हमने रॉड से लगाया है,
और जो साइड वाले डॉट्स हैं वो हम स्टाइलस से ही लगाएंगे, जैसे हमने पहले यूज़ किया था बिल्कुल वैसे। तो हम डॉट्स से ऊपर का डॉट लगा रहे हैं, सॉरी रॉड से हम ऊपर का डॉट लगा रहे हैं, यस। और अब हम कर रहे हैं साइड में वॉकिंग द डॉट टेक्निक से। अब हम इसमें फिलर्स देंगे, जहाँ जहाँ गैप्स हैं थोड़े थोड़े उन्हें भरेंगे। और ये जो ब्लू वाला है, हमने इसके ऊपर क्या किया है, डार्कर शेड ऑफ ब्लू, हमने बेस में लाइट ब्लू लिया था, अब हम डार्क ब्लू ले रहे हैं। छोटा रॉड लेंगे और उसके ऊपर हम टॉप डॉट लगाएंगे, मतलब ब्लू के ऊपर एक छोटी डार्क ब्लू से बिंदु लगाएंगे, इसको हम टॉप डॉट कहते हैं। इसी प्रकार से हम अपने सेकंड राउंड पर भी ऐसे ही करेंगे, टॉप डॉट लगाएंगे। कैसा लग रहा है, कितना सिंपल है बनाना। एक घंटे में आपका एक अच्छा सा दिया तैयार है, टी लाइट होल्डर रेडी है। हर हफ्ते एक एक बनाइए, दिवाली तक तो पूरा कलेक्शन तैयार हो जाएगा, नहीं? देखिए, इट्स रेडी। जो ये पेंसिल की लाइंस दिख रही हैं, आप इसको गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, बहुत आसानी से पोंछ जाएंगे क्योंकि हमने वाटर कलर पेंसिल्स यूज़ किया है इसमें। सो ये लाइंस बहुत आराम से इस त्यौहार अपने हाथ से दिया पेंट कीजिए। नमस्कार।